इससे पहले वीडियो में हम यह जाने थे कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक कैसे कर सकते हैं, तो हम जो उस वीडियो में हम बताए थे, उस वीडियो में हम अपने मोबाइल नंबर को लिंक किए थे वोटर आईडी से, तो लिंक हो चुका है फाइनली, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको भी जानना है कि आप अपने वोटर आईडी कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को लिंक कैसे कर सकते हैं, तो मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम अपने वोटर आईडी कार्ड को अपने मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप तक लास्ट तक जरूर देखें, और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब में जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन आप मेरा वीडियो तो देखते हैं, देख के आप भाग जाते, तो आपको वीडियो सब चैनल जो सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके सब्सक्राइबर से कुछ नहीं जाता है, मेरा आप उसमें कुछ बेनिफिट हो जाता है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट मुझे जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर और या गूगल सर्च ओपन करेंगे, इसमें आप सर्च को लिख देना है NVSP यानी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। जैसे लिख देंगे तो आपको यहाँ पे वोटर आईडी का यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल साइट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना है लॉग इन करना है। आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लॉग इन का, तो आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉग इन हो सकते हैं। अगर आप यहाँ से इस पेज में पहली बार विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर या न्यू यूजर में आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पे हमारा ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर है तो हम लॉग इन कर लेंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे लॉग इन हो चुके हैं। लॉग इन होने के बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई देगा EPIC डाउनलोड, EPIC डाउनलोड आपको ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे न्यू करके लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना एक काम करना है, अपने आपको वोटर आईडी कार्ड आपको अपने पास रख लेना है या वोटर आईडी नंबर जो होता है उसे आपको रख लेना है। वोटर आईडी नंबर वोटर आईडी कार्ड के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ था उसी को EPIC नंबर कहते हैं या वोटर आईडी नंबर कह सकते हैं। इंटर EPIC नंबर में आपको अपना वोटर आईडी नंबर दे देना है और आपको यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जैसे सर्च के ऊपर क्लिक करके दोस्तों, तो आपके यहाँ पे वोटर आईडी का जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर एक्टिव हुआ है यानी रजिस्टर्ड किए, वो आपके लास्ट के 4 डिजिट भी दिखाई देगा कि किसमें आपका OTP आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP भेज दिया गया है, देख सकते हैं हमारा OTP भी आ चुका है। ये OTP डाल के आपको वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा डाल के यहाँ पे आपको डाउनलोड EPIC में क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे डाउनलोड EPIC में क्लिक कर लेते हैं। जैसे डाउनलोड EPIC में क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले भी डाउनलोड कर चुका था, तो डाउनलोड अगेन में क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड अगेन में क्लिक करेंगे तो देख सकते हो दोस्तों, फाइनली हमारा वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड आप यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, सभी आपको डिटेल्स आपके अपने वोटर आईडी कार्ड को दिखाई देगा। दोस्तों ये वोटर आईडी कार्ड जो आपके ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड के तरह ही वैलिड है, इसका आप प्रिंट आउट करके या अपने मोबाइल में दिखा के आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट काम हो, इसका प्रिंट आउट भी आप कर सकते हैं, यहाँ से निकाल के इसे लेमिनेशन करके भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये आप इस तरीके से आप अपने वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, कहीं भी आधार कार्ड के तरह आप अपने वोटर आईडी कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों।